सुन्नी दावत इस्लामी का 2023 का इज्तिमाई प्रोग्राम आज का लेडीज का था, आज जेंट्स का है। सो ये सामने जो पब्लिक कम दिख रही है, नहीं अभी जरा असर का टाइम होता है, उसके बाद देखो पब्लिक कहां तक भर को रहती है। चुपके से बोली हूँ, फोटो पकड़ तुम खड़ कर लगो, पोजान दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, से पोजान दे रहा है। मारती पीछे से आदमिया, हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेख फैसल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेख फैसल व्लॉग्स। ऑलराइट दोस्तों, फाइनली आ गया वो दिन जिस दिन का था इंतजार मुझे और आपको। 15 दिन से लक्को था व्लॉग बना को भी बोल रहा है, इन्फॉर्मेशन दे दिया। सुन्नी दावत इस्लामी का 2023 का इज्तिमाई प्रोग्राम आज का लेडीज का था, आज जेंट्स का है। सो तो आज निकलने वाले हैं, जरा लेट होगी, अब 12 बज रही, जोहर तक पहुंच जाएंगे, जोहर की नमाज पढ़ को सुन्नी दावत इस्लामी का जो प्रोग्राम है देखो वो एंजॉय करेंगे। मैं तो पूरा एकदम तैयार हो गया हूँ, दिखा तुम पूरा आउटफिट आज का दिखाना बनता है, और साथ में हमारे गरीब बाबू इन्हों भी तैयार होगी। ऐसा दिख रहा है चील कांगे उड़ लग गए सका दिख रही है आज तैयार। यस रेडी पंप, फुटबॉल खेलने जाको, क्या क्या कर ले कोई भाई साहब, 2 रुपए नहीं जा रहा। ये रहा आज का आउटफिट, नेक्स्ट लेवल। ऐसा तो निकलना नहीं होता, ये काटना पड़ता है, क्योंकि तो हेलमेट पहनना नहीं, यहाँ से जाना सो बहुत दूर खुदुस साबित का मैदान को, तो यहाँ से हेलमेट पहन लेकर जाना पड़ता है। तो ये काट देंगे और काट को निकलेंगे और मिलेंगे मस्जिद खादरिया के पास। ऑल राइट दोस्तों, बहुत सही टेम्पो आ गई हमें, दोहर के अजान अब भी छुए से सही टेम्पो है, नहीं जरा इधर आ, उधर कहाँ चलेगा, इधर के गया उधर जा, अभी पब्लिक आको नहीं है, पब्लिक अब जम रही है सो। अब क्या करेंगे मालूम, वजू बना लेंगे, जोहर के नमाज पढ़ लेंगे, पढ़ ले को वहाँ जाएंगे ग्राउंड में, बयान चल रहा नहीं, बैठ को सुनेंगे। और एक क्या कहते हो, सैयद साहब का बयान भी है, पन मालूम सैयद अमीनुल कादरी साहब, उनका बयान सुनने बहुत दूर दूर से लोग आते, आज उनका बयान है, उनका बयान सुन को इंशाल्लाह हुआ तो लास्ट तक टिकेंगे, नहीं तो निकलेंगे, लेकिन उनका बयान सुनने के बाद इच उनका बयान लास्ट तक रहेंगे, लेकिन उनका बयान सुनना चाहिए। अब नमाज जोहर पढ़ने को मिलेंगे, सामने देख लियो मैंने फाउंटेन चालू कर दिली, इसका स्लोमो में दिखाता हूँ देखो। नमाज जोहर तो पढ़ लिया, अब जाको जरा बयान सुनेंगे, चल लो। पूरे खाने पीने के स्टॉल्स यहाँ लगा को ही, और वहाँ रजिस्ट्रेशन करना सकते, अपना नाम भी नंबर दिया तो नेक्स्ट इस्ते मरा तो उन्होंने इनवाइट कर देंगे, थे कॉल कर को हमें भी रजिस्टर करा को आगे। और ये तरफ बैटिंग करने का दूसरा पार्ट, यहाँ को दावत, पूरा खाना खिलाते हैं इधर। ये सामने जो पब्लिक कम दिख रही है, नहीं अभी जरा असर का टाइम होता है, उसके बाद देखो पब्लिक कहाँ तक भर को रहती है। सैयद साहब का बयान शुरू होता है, उसके बाद तो नेक्स्ट लेवल के सीन, अल्लू छो पकड़ लग बैठ गई झाड़न के नीचे सब भी, देखो पानी पीता है, चल बा पहले सोच लग रहे हैं, पानी पींगे जाको, कहा रहा बाबा पानी देखे आ रहा देखे, हाँ रे थुको गिंस कौन क्या रे। डॉक्टर बताते हैं कि एटलीस्ट 6 आवर्स और 7 आवर्स इतने के साथ
सेंटर में आप गैप करके 5 मिनट्स 10 मिनट्स नैप ले लें, इससे भी आपको पढ़ाई में माइंड आपका फ्री रहेगा, देन यू विल कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। चलो मार्केट, कहीं ऑटो वाले आ रही हूं, यहाँ बैठे ऑटो वाला। बहुत अच्छा सेशन चल रहा, पूरा स्टूडेंट्स के वास्ते, कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे या फिर काम को जाने वाले को भी बहुत काम आने वाला सेशन ना। यूट्यूब भी लाइव चल रहे है और स्कूल के ऐसे बच्चे रहते नहीं तरले, वैसे बच्चों को भी बहुत अच्छा सेशन है। अभी बयान का सेशन शुरू नहीं हुआ, सैयद साहब का बयान सुनने अब ऐलान कर लेते हैं, बयान सुनना लेकिन आज नहीं, सीखने मिल रहा नहीं, बुला लगाया फायदा हो रहा ही नहीं। इधर वजू खाना भी बना को ही, उधर पीछे बाथरूम, पीछे बाथरूम को बाथरूम भी बना को ही, और यहाँ दावत। अब क्या सोच रूंगा तो मुझे मुझे भूख लग गई है बा, जागो पहले खा लेंगे, खा लेगो बाद में हजरत का बयान शुरू होगा तो मैं तो एक मिनट इधर उधर हल रू नहीं, सो बैठ को पूरा सैयद सबको बयान सुनूंगा। वो जाके चोरी करता था, खोदता निकालता, लेकिन उसने 5 वाकयात बताए कि उसकी वजह से उसने तौबा कर लिया कि उसने अच्छे वाकयात देखे, जन्नत का बाग भी देखा, जहन्नम का गढ़ा भी देखा, फिर उसे तौबा नसीब हुई। और एक वाकया हमें मिलता है कि एक मर्तबा एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग का इंतकाल हुआ। जब इंतकाल हुआ तो उस जमाने में कफन चोर था, वो जाके शरीफ हो गया जनाजे में, शरीफ हुआ, जनाजा पढ़ा और उसके बाद दफन कर दिया। ये भी मार्किंग वाला ही था, गया मार्किंग किया आ गया, रात के अंधेरे में गया कब्र खोदा, जैसे ही कब्र में हाथ डाला कफन पे, तो उस जो कफन में लिपटे हुए उस नेक इंसान ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब क्या होगा, अब कौन सी चीज निकलेगी, कहां से निकलेगी, समझ रहे ना, थोड़ा फील कीजिए। कफन में से निकल के हाथ अगर पकड़ ले, आजकल तो हॉरर देख के डरते रहते हैं, बच्चे भी हॉरर देखते हैं, हॉरर देख के क्या होते हैं घर में, वो सोचते हैं कि यहीं कहीं पीछे तो नहीं खड़ा। उसने क्या कहा, आग पकड़ा तो ये घबरा गया। अब थोड़ा सा डेरिंग थी ना, अब इतने कफन चुराए तो डेरिंग तो रहेगी, लेकिन थोड़ा डर भी लगा, दिल धक धक करने का, स्पीड बढ़ गई, हार्ट बीट बढ़ गई। अब हाथ पकड़ा, घबरा गया, कांपने लगा थोड़ा सा, हार्ट बीट बढ़ी। तो अब उसने, कफन वाले ने कहा, जन्नती होके जन्नती का कफन चुराता है। कहा, हजरत आप जन्नती हैं, मैं कैसे, मैं तो कफन चोर हूं। तो उसने कहा, बता तू आज मेरी नमाज जनाजा में था कि नहीं था। कहा, हाँ हुजूर मैंने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, मेरे जनाजे में जितने शरीक थे अल्लाह ने सबकी मगफिरत कर दी। पता चला, लोग कहते हैं जिंदों से फायदा पहुंचता है, देखो जनाजे से भी फायदा पहुंच रहा है, ये उनका अकीदा है, वो समझे वाला हमारा नबी। अब कहते हैं
खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, किसी का हाथ भी नहीं देता लेकिन हुजूर का मुंह ऐसा है कहते हो जा तो हो जाता है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जरा पूरा मजमा कहते देने वाला है सच्चा। और गमजदों को रजा मुझसे दीजिए के है बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा। बिरयानी खाने के बाद पपई खा लो। क्या बिरयानी खाने के बाद मिठाई मीठा खा ली पपई मिठाई बहुत जबरदस्त बहुत मीठी। पपई अभी खत्म नहीं करया मैं टांग गए नो। ये भाई साहब देखो कान की डायरी में जाके ला छोड़ को पपई खत्म कर दा ले बेटा जल्दी उन देखो मैं बोलिया नहीं मेरा वीडियो बना रहा करके बोलिया तो अभी ने एक्टिंग कर लेगो मैं तो भी रियल बात करे इन्हें एक्टिंग कर रहा सो एक्टिंग कर लेगो बिल्डअप ऐसा दे रहा जैसा इन्हें फोन में बात करे सका। क्या एक्टिंग ऐसी कही की टाइम हो रहा 4:30 मुफ्ती साहब का बयान चल रहा असर का भी टाइम हो रहा नमाज अदा कर को पक्का सैयद साहब का बयान नौकरी के बाद ही चला सो। कौन कौन ये इज्तेमा को आको हमारा व्लॉग देख रही कमेंट करो नीचे इज्तेमा को आको न होवे कौन कौन ये इज्तेमा अटेंड कर रहे थे उन सब कमेंट करके बताओ। अगर कौन नहीं कर रहे ये तो व्लॉग देख रहे रहेगा ये व्लॉग देख को बताओ कैसा दिखा क्या भी हमारी मेहनत नहीं पूरा प्रोग्राम उनका ना खाली हम एक क्या बोलते हमारे थ्रू Thank you.
कहें क्या है नबी, शान नबूवत क्या है, किसी नबी को भी ये शान नसीब नहीं जो मेरे आका को है कि जिब्रील अमीन अपनी पेशानी नबी के तलवों पे रखते हैं। और इसकी मंजर नशी अहले सुन्नत के इमाम क्या करते हैं, जरूर उसको सुने, कहते ताजे सर के ऊपर जो रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, हाँ सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता, नादारी फिदाए नक्शे नाले नकुनम जाया रसूल अल्लाह, हुजूर अगर आप मेरे घर आएंगे तो मैं गुनहगार भी हूँ और गरीब भी हूँ, क्या करूंगा, अरे जहां आप अपनी नाले रखेंगे तो उसका निशान पड़ेगा, उस निशान पर अपनी जान को भी कुर्बान करूंगा। मन गुजरारी मने मिस्कीज नादारी फिदाए नक्शे नाले नकुनम, दोस्तों प्रोग्राम पूरा होगा, नमाज ऐशा भी पढ़ लिया, अब यहाँ से निकल रहे हैं, इसके साथ में बयान पूरा सुन लिया, प्रोग्राम पूरा होगा नहीं अभी है प्रोग्राम में, हमें आगे भूख बहुत जबरदस्त निकले को थी, मंजन हवे इसे नहीं अली खर्चे कराते रहता, अभी बोलने भी होता नहीं, अब खलाना ही पड़ता, साथ में ले लगा जाकर, ये कौन सी मुसीबत साथ में ले लगा जाकर, ये कौन सा वजह था बोल, ये मेक्सिकन रोल या को चिकन टिक्का रोल खाते खाते मजा आ रहा भाई साहब, जबरदस्त मालूम, ये चिकन टिक्का एक्स लेवल का है ये, आराम से जा बात हो नहीं खाला तो रुक रहा है यार, डेंजर दिख रहा मालूम, भाई देख गुस्से वाला दिख रहा, चलो खाने के बाद मिलेंगे कहते हैं। ऑलराइट गाइस खा को पूरा होगा, फैसल पे मैं जाके ले छोड़ को गंगी चले गए, नहीं एक पीछा पड़ रहा, दूर दूर तक काम भी फैसल पे दिख रही नहीं, आ रही रखो यार खान के चले जा रही वापस, मुझे काम भी छोड़ को जा नहीं सकते ना, वही साठ का को हूँ मैं, देखे लाखों हंस खड़े इन्हें कहीं कोई पीछे पड़ गए। ऑल राइट दोस्तों फरहान का वापस घर को जाने का टाइम आ गया, फरहान को टाटा बाबे करने आ गया, अब यहाँ से पाम बच्चा घर को जाना, समा स्कूल को जाना, वापस परेशानियां शुरू, कैसा था आज का प्रोग्राम, जबरदस्त मजा आ गया, कैसा था सैयद सब का प्रोग्राम, जोशीला परफॉर्मेंस। इसके साथ सोच रहा हूँ आज का ब्लॉग भी एंड कर डालेंगे, अब करने कुछ है नहीं, मैं भी यहाँ से जाना सीधा घर कुछ, तो आज का ब्लॉग भी समाप्त कर डालेंगे, बहुत जबरदस्त ब्लॉग है, बहुत यादगार दिन आज का अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, ऑन कर गूं रहे, तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है, होप की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, नहीं पसंद है तो भी वीडियो को लाइक कर दे, नहीं रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर डाले, कमेंट भी कर डालो कौन कौन आए थे ब्लॉग देखने, नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, वैसा तू बोला तो एंड नहीं होता, मेरा यूट्यूब चैनल मेरी आवाज सुनकर चौक होता है, देखता अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।